अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ झटपट इजी और सस्ती सी एक रेसिपी। स्क्रीन पे आप सबको नज़र आ रही होगी, समझ गए होंगे ये मैक्रोनी है। बच्चे बूढ़े सबको बहुत ही पसंद होती है, माएँ अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकती हैं, ईजी है। और ये हमने जो बनाई है वो तो और ही मज़ेदार वाली चीज़ बता रही हूँ। ये हमने बनाई है जी, हमने रात में कढ़ाई गोश्त बनाया था, उसमें हमारी चिकन जी बच गई थी, तो हमने उसकी मैक्रोनी बनाई है। ठीक हो गया जी। और जो जो चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल थी, हमने जस्ट वही सिंपल यूज़ करी है, हमने कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं ली। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने लिए हैं इतना साइज़ का ग्लास है, हमने इसको 6 ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया है। अब इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। और जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम मैक्रोनी नहीं डालेंगे। ठीक हो गया जी। वीडियो को देखें, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है, ट्रस्ट मी। यहाँ हमने ऑयल ऐड किया है 2 टेबल स्पून। और जी यहाँ पे हमने जो मैकरोनी हम लोग ले रहे हैं वो कॉल्सन की, आप चाहो तो कोई सी भी ले सकते हैं। आप चाहें अगर आप पूरा पैकेट लेना चाहें तो थोड़ी थोड़ी से इंग्रेडिएंट बढ़ा दीजिएगा। और ये जी लेफ़्ट ओवर चिकन है हमारी, जो कि हमने कल कढ़ाई बनाई थी उसमें से बच गई। हमारे यहाँ बोटियाँ जी कम ही खाई जाती हैं। ये जी मैकरोनी बॉयल आ गया था, हमने इसके अंदर मैकरोनी डाल दी है। और मैकरोनी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे, तब तक ये अच्छे तरीके से गलनी चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए इतना पैकेट हमने जी लिया है, हाफ से भी ज़्यादा हमने पैकेट इसमें यूज़ किया। और जी यहाँ पे हम ले रहे हैं टमाटर, 2 टमाटर लिए थे छोटे साइज़ के और 2 हरी मिर्चें ली थी। टमाटरों का छिलका उतार के उसको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये चिकन को हमने श्रेड कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप चिकन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। और जी यहाँ पे हम लहसुन को हैं कूटेंगे, हम लोग फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करते हैं उसी वक्त, इसमें कूटते हैं हम लोग या क्रश कर लेते हैं, हम लोग फ्रीज करके नहीं रखते। और जी ये छोटा साइज़ का एक अनियन लिया है हमने, ये देख लिया मीडियम साइज़ का है, बल्कि ये हमने एक अनियन लिया है उसको हमने बारीक स्लाइसेस में कर लिया है। और ये काली मिर्च है जी, हाँ काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये 1/2 टीस्पून है जी कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ही हमने जो है ना वो लिया है सॉल्ट, क्योंकि अब हम इसमें ये देख लीजिए लहसुन अदरक हमने पीस लिया है, क्योंकि हम इसके अंदर टिक्का मसाला भी ऐड करेंगे तो उसके अंदर भी सॉल्ट होगा, मैकरोनी के अंदर भी सॉल्ट है, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। ये हमने 1 टेबल स्पून हमने टिक्का मसाला यूज़ किया, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें नहीं करें। ये देख लीजिए जी मैकरोनी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई, इसको ठंडे पानी से आपने थाड़ लीजिएगा ताकि चिपके नहीं। यहाँ पे हमने ऑयल लिया है, 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। इसके अंदर हम प्याज ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा प्याज को सॉटे करेंगे, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली है और महंगी भी नहीं है, बहुत ही सस्ती है। ये देख लीजिए जी प्याज हो रही है सॉटे जब तक है। अब हम इसके अंदर कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट ऐड, इसको भी थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी लेफ्ट ओवर चिकन। आप अगर आपके पास का मसाला बचा हुआ है कढ़ाई का तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो हमने ऐड नहीं किया है। हमने जो सिंपल चिकन ली थी उसको हमने वॉश भी नहीं किया है, हमने मसाले वाली चिकन इसके अंदर ऐड करी है, तो टेस्ट इससे और फ्लेवर इन्हेंस होगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। अब हम बाकी इसके अंदर जितनी भी स्पाइसेस हमने ली थी वो हम सब ऐड कर रहे हैं। यम्मी। ये माएँ अपने बच्चों को भी सुबह सुबह लंच में जल्दी से बना के दे सकती हैं, इतनी आराम से बन जाएगी ये, इसमें टाइम भी नहीं लगता। अब हम इसमें टमाटर और चिली जो हमने ग्राइंड की थी उसको हमने ऐड कर लिया उसकी प्योरी को, और बच्चे शौक़ से भी खाते हैं। और बच्चों को आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के दे देंगे तो वो और हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे वैसे तो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। तो आप इसके अंदर कैरेट्स, कैप्सिकम और जो भी आप लोग ऑलिव्स वगैरह जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून हमने सोया सॉस लिया हुआ है। और ये 2 टेबल स्पून ही आप इसमें चिली सॉस भी यूज़ करेंगे ऐड। और ये 1 टेबल स्पून इसमें जा रहा है सिरका,
ठीक हो गया जी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको इतने अच्छे तरीके से जब तक के इसको पकाना है, जब तक इसका जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा ड्राई ना हो जाए और इसका ऑयल जब तक के ऊपर नहीं आ जाए। और साथ साथ ये हम सफाई कर रहे हैं क्योंकि सफाई है जिन्नत ईमान, और जो हमारे बर्तन ख़राब हो रहे थे वो भी हमने कहा साथ साथ वॉश कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये मसाला भुन रहा है फ्री खड़े होने से बेहतर है काम कर लिया जाए कुछ। ठीक हो गया जी, ये देख लीजिए पानी इसका ड्राई हो गया है, ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपनी मैक्रोनी, ये देख लीजिए जी। इसको अब आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए मसाले के साथ मैक्रोनी को। यहाँ पे जी अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये हो गई है हमारी अच्छे तरीके से मिक्स, और अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, ईजी एंड यमी मैक्रोनी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, और झटपट बन जाती है भाई ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।